हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप से सब अच्छे होंगे। और आज देखिए मैं आपके लिए क्या बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक गिलास दूध चढ़ाया है कढ़ाई में, और ये मैंने दो पाउच दूध के लिए हैं, जो मिल्क पाउडर होता है ना वो लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, और अच्छे से पहले जो इसकी गुठली बन गई है इनको अच्छे से घोल लेना है दूध में और चलाते रहना है। गाढ़ा होने तक इसी प्रकार से पकाएंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी चीनी। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब देखिए दोस्तों, दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा इसमें फूड कलर। ये मैंने थोड़ा सा कलर लिया है ग्रीन कलर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें एक कटोरी नारियल का बुरादा। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे कढ़ाई से निकालेंगे क्योंकि ये जमने की स्थिति में हो गया है। अब मैंने एक प्लेट में लगा लिया है घी, और अब प्लेट में जो है अच्छे से फैलाएंगे। अब इसे अच्छे से सेट कर लेना है। चम्मच की सहायता से कर सकते हो या फिर हाथ से भी आप कर सकते हो। थोड़ा घी लगा के हाथों पे तो उससे आप कर सकते हो। यहाँ पर थोड़े में डाल रही हूँ खरबूजे के बीज। तो दोस्तों देखिए मिठाई कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, और ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। आप फ्रिज में रख सकते हो या फिर पंखे के नीचे भी रख सकते हो। ये जम गई है बिल्कुल। अब हम इसको किसी भी आकार में कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर बर्फी बनकर तैयार हुई है, और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार अवश्य ट्राई करिएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा।